हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि साइटोलॉजी में वन स्टडी ऑफ सेल, ये साइटो वहीं से आया है, यानी साइटो का मतलब हुआ सेल। और प्लाज्म आपको याद ही होगा, आपने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये लिक्विड टाइप होती है। ये जो लेयर है ना सेल मेम्ब्रेन, ये लिक्विड टाइप होती है। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम भी देते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही कहता है कि ये जो है ना लेयर, ये जो है ना ये लिक्विड टाइप होती है। इसलिए दोस्तों, प्लाज्म का मतलब हुआ फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म जो है ना, वो स्टडी ऑफ सेल। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो कहता है कि इट इज़ पार्ट विच सराउंड्स आर कवर्स द सेल न्यूक्लियस। इसके हम अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेल है, इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो पोर्शन है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स वगैरह। तो अब हम दोस्तों इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। तो कहता है कि टू टाइप्स होती हैं इसकी। फर्स्ट है एक्टोप्लाज्म और दूसरी है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्म है नियर टू दी न्यूक्लियस। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए गॉड ब्लेस यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।